ऑक्सीजन सिलेंडर जमाखोरी के मामले में नवनीत कालरा की अबूरी जमानत अर्जी पर आज समाज साकेत कोर्ट में दायर की गई अर्जी। नवनीत कालरा के खिलाफ पुलिस ने जारी किया लुकआउट नोटिस, क्राइम ब्रांच की कई टीमें नवनीत कालरा की तलाश। ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी मामले में दिल्ली सरकार से हाईकोर्ट ने मांगा हलफनामा, कोर्ट ने सरकार से पूछा, कैमरान हुसैन को दिल्ली के कोटे से ऑक्सीजन दी गई। केजरीवाल ने मरकज से वैक्सीन सप्लाई बढ़ाने का मुतालबा किया, हमारे पास 3 से 4 दिन की वैक्सीन है, कहा कि हम 1 महीने में 90 लाख डोज दे सकते हैं। कोरोना की तीसरी लहर पर बोले केजरीवाल, तीसरी लहर में 30,000 केस भी आए तो हम तैयार। दिल्ली वालों के लिए थोड़ी राहत की बात, कोरोना के मामलों में आई कमी, बीते 24 घंटे में 12,651 नए केस, 319 लोगों की मौत। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने जीटीवी कोविड अस्पताल का किया दौरा, दिल्ली में मामले कम होने पर केजरीवाल ने जताई खुशी। मनीष सिसोदिया ने मरकज हुकूमत पर झूठ बोलने का लगाया इल्जाम, कहा हमने 1 करोड़ से ऊपर वैक्सीन का ऑर्डर दिया था, मरकज ने कहा 3 लाख के करीब मिले। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार से पूछे थे सवाल, कहा ऑक्सीजन और वैक्सीनेशन पर दिल्ली के आवाम से झूठ बोल रहे हैं केजरीवाल। भारत बायोटेक और आईसीएमआर मिलकर करेंगे कोवैक्सीन का प्रोडक्शन, मुंबई के हाफकिन इंस्टीट्यूट में भी होगा प्रोडक्शन, साल में करीब 22 करोड़ वैक्सीन का हदफ। मुंबई में कोरोना के नए मामलों में गिरावट, बीते 24 घंटे में 1,794 नए मामले आए सामने, 74 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों में गिरावट, 24 घंटे में 37,326 नए मामले, 549 की हुई मौत। कतर से 40 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लेकर मुंबई पहुंचा आईएनएस त्रिकर्ण, भारतीय बहरिया कमीशन समुद्र सेतु पाटी। आईएनएस कोलकाता भी कतर से प्राणवायु लेकर पहुंचा भारत, 27 मीट्रिक टन ऑक्सीजन, 400 ऑक्सीजन सिलेंडर और 47 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लेकर न्यू मैंगलोर पहुंचा आईएनएस कोलकाता। कोरोना के दौर में सऊदी अरब से भी आई मदद, ऑक्सीजन सिलेंडर के 6 कंटेनर लेकर गुजरात के कच्छ पहुंचा पानी का जहाज। महाराष्ट्र के यवतमाल में कोरोना सेंटर का बुरा हाल, मरीजों के लिए पीने का पानी तक नहीं, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर। दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ने से ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स की बड़ी मुसीबत, सवारियां नहीं मिलने से उनके सामने रोजी रोटी का बहरान। दिल्ली में ऑक्सीजन और बेड के बाद वैक्सीन के लिए भी भटक रहे हैं लोग, डाबरी में दादा देव चिकित्सालय वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों का हंगामा। जामा मस्जिद के शाही इमाम ने मुस्लिम तबके के लोगों की अपील, कहा घर पर ही पढ़ें ईद की नमाज, कोरोना इंफेक्शन रोकने में मदद के गुजारिश। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 11,592 नए मामले आए सामने, 117 लोगों ने तोड़ा दम। कर्नाटक में 24 घंटे में 39,305 कोरोना इन्फेक्टेड मिले, 596 की मौत। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 28,978 मामले आए, 235 मरीजों ने तोड़ा दम। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में यूपी में कोविड के मौजूदा हालात को लेकर होगी अहम समाअत, वर्चुअल होगी समाअत। वजीर दिफा राजनाथ सिंह का लखनऊ दौरा आज, डीआरडीओ के कोविड अस्पताल का लेंगे जायजा, हज हाउस में बने कोविड हॉस्पिटल का भी लेंगे जायजा। यूपी में जल्द शुरू होगा 18+ वालों के वैक्सीनेशन का तीसरा दौर, सभी 75 जिलों में लगाई जाएगी वैक्सीन। तबीयत बिगड़ने के बाद आजम खान को आईसीयू में किया गया शिफ्ट, लखनऊ में दांता में चल रहा इलाज, कोरोना इन्फेक्टेड हैं एसपी एमपी आजम खान। बदायूं में जनाजे में भीड़ जुटने का मामला, पुलिस ने नामालूम लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो। यूपी में कोरोना मरीजों की तादाद में आई कमी, 24 घंटे में 21,331 नए केस, 278 लोगों की हुई मौत। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा, कोविड कंट्रोल रूम का लिया जायजा।
यूपी में शामली के कोविड अस्पताल में बद इंतजामी का आलम। हॉस्पिटल में तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे मरीज, वीडियो वायरल। वबा के दौर में रिश्वतखोरी और मुनाफाखोरी भी उरूज पर। यूपी के शामली में तिब्बी मुलाजिम ने ऑक्सीजन सिलेंडर दिलाने के लिए 10,000 वसूल कर खाली सिलेंडर दिया। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार पर लग रहा है ब्रेक। गुज़िश्ता 24 घंटे में मिले 5,541 नए इन्फेक्टेड, कल मिले थे 5,890 मरीज। उत्तराखंड में कोविड के खिलाफ सीएम तीरथ सिंह रावत ने संभाला महाज। अल्मोड़ा में कोविड हॉस्पिटल का लिया जायजा। एमपी में मुसलसल कम हो रहा है कोरोना इन्फेक्शन का ग्राफ। 24 घंटे में मिले 9,715 नए मामले। एमपी के जबलपुर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का मामला। शिवराज सिंह ने कहा, गड़बड़ी करने वाला हैवान और जानवर है, किसी को बख्शा नहीं जाए। एमपी के शहडोल में पुलिस की हैवानियत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस एहलकार ने देही को लात घूंसे से पीटा, मुतासिर ने लगाई मदद की गुहार। एमपी के इंदौर में जीवन रक्षक आपूर्ति की कालाबाजारी करने पर गैर इरादतन हत्या का दर्ज होगा मामला। नकली इंजेक्शन बेचने वालों के टूटेंगे मकान, इमलाक होगी जब्त। कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी में जुटी मध्य प्रदेश हुकूमत। बच्चों के लिए तैयार हो रहे हैं आईसीयू। एक्टिव केसेस के मामलात में 7वें से 15वें मरहले पर पहुंचा एमपी। नहीं रहे साबिक वजीर और सतना से बीजेपी के सीनियर एमएलए जुगल किशोर बागवी। भोपाल के चिरायु अस्पताल में लिया आखिरी सांस। कोरोना से ठीक होने के बाद हार्ट अटैक से हुआ इंतकाल। आगरा मालवा से कांग्रेस एमएलए विपिन वानखेड़े ने की झूला छाप डॉक्टर्स की पैरवी। कलेक्टर को लिखा खत, ट्रेनिंग देकर कोरोना के इलाज की मंजूरी देने की मांग। छत्तीसगढ़ में शराब की ऑनलाइन बुकिंग शुरू होती क्रैश हुई वेबसाइट। हैवी लूट की वजह से सर्वर ठप। छत्तीसगढ़ में 8 अप्रैल से बंद है शराब की दुकानें। बीजेपी ने गवर्नर अनुसुईया उइके से की बघेल सरकार की शिकायत। कहा, वर्चुअल बैठक का वक्त देकर अपोजिशन का की गई बेइज्जती। वैक्सीन की कमी और शराब की होम डिलीवरी को लेकर भी उठाए सवाल। राजस्थान में सख्ती का दिखा असर। 24 घंटे में 16,487 नए पॉजिटिव केस आए, 160 लोगों की मौत हुई। दही इलाकों में कोरोना इन्फेक्शन को लेकर सीएम गहलोत ने की बात। वर्चुअल मीटिंग में जुड़े सीपी जोशी और गुलाब चंद कटारिया। सीएमएस अस्पताल पहुंचा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक। एक साथ 1700 ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए कम जगह में हो सकेगा स्टोरेज। सीकर में तहसीलदार रजनी ने पेश की इंसानियत की अनूठी मिसाल। 5 घंटे तक घर के बाहर पड़ी लाश को दिया कंधा। सीएम नीतीश कुमार ने की महकमा सेहत का जायजा। टीकाकारी और जांच की तादाद में तेजी लाने के दिए अहकाम। बिहार में रेमडेसिविर की कालाबाजारी रोकने की कवायद। नीतीश सरकार ने तय किया वैक्सीन का दाम। बिरसा जीवन आयुष प्रोग्राम का सीएम हेमंत सोरेन ने किया ऑनलाइन इफ्तिताह। कोरोना इन्फेक्शन से निपटने के लिए पूरी रियासत में चलाई जाएगी खसूसी मुहिम। कोरोना इन्फेक्शन पर सीएम हेमंत सोरेन ने की बैठक। संथाल और पलामू जोन में सभी एमपी और एमएलए से की बात। झारखंड में कोरोना की रफ्तार जारी। 24 घंटे में सामने आए 4,169 नए केस। रांची में मिले 779 नए इन्फेक्टेड मरीज। रांची यूनिवर्सिटी के 1,90,000 तलबा को बड़ी राहत। मिड सेमेस्टर की बुनियाद पर बगैर इम्तिहान के ही तलबा किए जाएंगे प्रमोट। बक्सर में गंगा किनारे लाशों का लगा अंबार। नदी किनारे दर्जनों लाशों के जमा होने से देहियों में दहशत। एसडीएम ने लाशों के डिस्पोजल का दिया हो। बिहार में अचानक आई कोरोना इन्फेक्शन में कमी। 24 घंटे में कोरोना के 10,174 नए केस। बिहार के गया का बत्तसपुर गांव मकामी लोगों ने पूरी तरह किया लॉक। बाहर से आने वाले लोगों की एंट्री बंद। कोरोना के चलते देहियों ने लिया फैसला। हरियाणा के पंचकुला में साइकिल लेकर सैर पर निकले लोगों पर पुलिस की कार्रवाई। बीच सड़क पर करवाई गई उठक बैठक।
पंजाब के अमृतसर में पुलिस पर लगा गुंडागर्दी का इल्जाम, गुरु बाजार में कपड़े के दुकानदार की पिटाई का वीडियो वायरल। चंडीगढ़ में कुछ नौजवानों ने की पुलिस एहलकार की पिटाई, कोरोना जब्तों की खिलाफ वर्जी करने पर पुलिस एहलकार ने जताया था एतराज। बंगाल में तशद्दुद के बीच वजारत दाखिला का बड़ा फैसला, बीजेपी के 61 एमएलए को मिलेगी एक्स कैटेगरी की सिक्योरिटी। सोनिया बनी रहेंगे कांग्रेस के सदर, जून में होने वाले सदर ओहदे का इंतखाब टालने की मांग। राजस्थान में एमएलए फंड की रकम 2.5 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ की गई, सीएम गहलोत ने दी मंजूरी। पंजाब के 3 सीनियर वुजरा की का बड़ा इंतबाह, नवजोत सिंह सिद्धू पर अभी नहीं हुआ एक्शन, तो पंजाब में खत्म हो सकती है कांग्रेस, हाईकमान से की सिद्धू के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई की मांग। महाराजगंज सड़क हादसे में बड़ी मेलुकीन की तादाद, 5 तक पहुंचा मरने वालों का आदादोशुमार। चूरू के तारानगर में हुआ दर्दनाक हादसा, डिग्गी में डूबने से 4 मासूमों की मौत, डिग्गी में नहाते वक्त हुआ हादसा। मध्य प्रदेश में बिजली महकमे के आउटसोर्स मुलाजमीन ने खत्म की हड़ताल, सरकार को दिया 7 दिन का अल्टीमेटम। जुलाई में श्रीलंका का दौरा करेगी टीम इंडिया, बीसीसीआई ने बनाया खास प्लान। श्रीलंकाई दौरे पर 3 वनडे 3 T20 मैचों की सीरीज खेलेगी टीम इंडिया, नौजवानों को मिलेगा मौका। श्रीलंका और टीम इंडिया के बीच पहला मुकाबला 13 जुलाई को होगा, दूसरा 16 जुलाई को और आखिरी वनडे मैच 19 जुलाई को खेलेगी टीम इंडिया। ये पहला मौका होगा जब टीम इंडिया विराट कोहली और रोहित शर्मा के बगैर महदूद ओवरों की कोई सीरीज खेलेगी। बीसीसीआई सदर सौरभ गांगुली ने सभी अटकलों पर लगाई रोक, कहा आईपीएल 14 के बीच मैच भारत में नहीं खेला जाएगा। छत्रसराल स्टेडियम में झगड़े के बाद एक पहलवान की मौत के मामले में सुशील कुमार के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी, दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में तलाश जारी।